मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चेहरे पर अब खुशी आई होगी। उनकी बेटी आयुषी पुरवार ने 12वीं की परीक्षा में कमाल कर दिया है। वो डीपीएस रांची में 8 संकाय में पढ़ती थी, उन्हें 97.6% अंक मिले हैं। खास बात यह है कि उनकी बोर्ड परीक्षा के समय ही उनके घर पर रेड पड़ी थी। मुश्किल समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विषम परिस्थितियों में परीक्षा में शामिल हुई। आयुषी की बोर्ड परीक्षा 6 मई से सोशियोलॉजी विषय के साथ शुरू हुई थी। उसी दिन सुबह 6 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। एक तरफ आयुषी की परीक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ ईडी की टीम उनके घर पर लगातार जाँच कर रही थी। बावजूद इसके उन्होंने आत्मविश्वास और हौसले से पूरी परीक्षा खत्म की और अंतिम रिजल्ट में बड़ी सफलता हासिल की। उनके सफलता पर पिता अभिषेक झा ने भी खुशी जाहिर की है। ईडी ने मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 19.31 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार को रिमांड में लिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ भी बताने से शुरुआत में इनकार कर दिया था। बाद में इस मामले में आरोपी पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो इन पैसों के बारे में सही जानकारी देने में असमर्थ रहीं, जिसके बाद उन्हें भी रिमांड पर लिया गया। इस मामले में झारखंड की हेमंत सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित भी कर दिया। प्रभात।